अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम योर मैथ्स टीचर मिस सुमैया। पेज नंबर 48, टॉपिक लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। क्वेश्चन नंबर टू में हमारे पास यहाँ दिया गया है, लिस्ट द फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर देन फाइंड द LCM। कह रहे हैं कि हमें फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स लिखने हैं जो हमें पेयर्स गिवन हैं, जैसे कि 8 and 12। तो हम 8 and 12 को अगर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर टू में, नंबर ए पे 8 and 12 मल्टीपल्स ऑफ 8 मल्टीपल्स ऑफ 12, यानी कि हमें यहाँ पर फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स लिखने, यानी 8 ones are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40। इसी तरीके से 12, 24, 36, 48 and 60। हमने 8 और 12 के फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स जब लिखे तो इसमें से हमें LCM फाइंड आउट करना था, तो जो कॉमन मल्टीपल हमारे पास आया वो हो 24 और 24। तो इसका इट्स मीन कि हमारा LCM यहाँ पर है 24। अब क्वेश्चन नंबर थ्री पर अगर हम आते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें मालूम करना है, फाइंड द LCM ऑफ दिस सेट्स ऑफ थ्री नंबर्स बाय लिस्टिंग द फर्स्ट सिक्स और मोर मल्टीपल्स ऑफ ईच नंबर। यहाँ पर हमें ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले आप फर्स्ट सिक्स मल्टीपल्स में फाइंड आउट करेंगे LCM। अगर पॉसिबल नहीं है फर्स्ट सिक्स में, तो फिर आपको और मोर यानी कि और आगे मज़ीद बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि नंबर ए में है 2, 4 and 5 मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 5। जब मल्टीपल्स ऑफ 2 हमने 6 तक लिख लिए, शुरू के 6 लिख लिए मल्टीपल्स 4 के, और 5 के भी शुरू के 6 मल्टीपल्स लिखे। जब हमने इसमें फाइंड आउट किया तो हमारे पास कॉमन मल्टीपल पॉसिबल नहीं था, तो फिर मज़ीद हमने मल्टीपल्स ऑफ 2 जो है वो 10 लिख लिए। तो फिर इसी तरीके से 4 के भी हमने फर्स्ट 10 लिखे, और इसी तरीके से 5 के भी हमने फर्स्ट 10 लिखे। जब हमने 10 तक इसके मल्टीपल्स लिख लिए, तो फिर हमारे पास जो कॉमन मल्टीपल आया वो आया 20। तो इसी तरीके से हमारा LCM यहाँ पर हो गया 20। अगर कभी हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स 2 आएंगे, तो उसमें से जो छोटा मल्टीपल होगा वो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM होगा।